अभी जो आप देख रहे हो ये SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अलग ICBM जो ग्राउंड बेस्ड होते हैं इनसे काफी खतरनाक और स्टेल्दी माना जाता है, क्योंकि इसे कैरी करता है सबमरीन जो कई दशकों तक समंदर के अंदर किसी हिस्से में साइलेंट किलर की तरह छुपा होता है। लेकिन यह साइलेंट किलर या सबमरीन कभी ऐसा नहीं था। इसका शुरुआत होता है विख्यात आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची के द्वारा, जहां ये एक ऐसा डिजाइन बनाते हैं जिसमें इंसान समंदर के अंदर सांस लेते हुए जिंदा रह सके। वहीं 5 शताब्दी तक यह डिजाइन एक कॉन्सेप्ट ही रहता है, लेकिन तब तक जब तक के हिटलर के इंजीनियर्स वजूद में नहीं आए थे। हिटलर आने के बाद हर वो हथियार बनाने का कोशिश करता है जो इसे पूरे धरती पर राज करने का सपना को पूरा करा सके। डा विंची के कॉन्सेप्ट पर हिटलर के इंजीनियर्स बनाते हैं U-boat जो उस समय का पहला ऑपरेशनल सबमरीन था। वहीं हिटलर के हार के बाद अमेरिका, सोवियत रूस और UK इन U-boats को लेकर अपने अपने सबमरीन वर्सन बना लेते हैं। लेकिन इसमें एक कमी थी, वो था पावर की कमी, जिसके चलते इन सबमरीन को बार बार सतह पर आना पड़ता था।